get on together. स्वागत है, मैं हूं अमृता। आइए देखते हैं बॉलीवुड की खबरें फटाफट। फिल्म देखने पहुंचे सोनम आनंद आहूजा। सोनम आनंद आहूजा ने अपनी हाल ही में रिलीज हुई फिल्म वीरे दी वेडिंग की स्पेशल स्क्रीनिंग के लिए दिल्ली के चाणक्यपुरी स्थित पीवीआर सिनेमा घर का दौरा किया। वो इस फिल्म के प्रति लोगों की प्रतिक्रिया जानने के लिए थिएटर पहुंची। ऐश्वर्या को नहीं मिलेगी फीस। ऐश्वर्या राय बच्चन इन दिनों फिल्म फन्ने खां की शूटिंग में बिजी है, लेकिन शूटिंग पूरी होने से पहले ये खबर आ रही कि ऐश्वर्या से फीस कम करने की रिक्वेस्ट की गई है। ऐसा करने का कारण है फिल्म के प्रोड्यूसर्स का बदलना। बिटकॉइन घोटाले में फंसे राज कुंद्रा। बिटकॉइन घोटाले में ईडी ने एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को समन किया है। इसी मामले में मेन आरोपी अमित भारद्वाज को पुणे से गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद ईडी ने राज को भी समन किया है। गंगा घाट पर सनी लियोनी। सनी लियोनी को गंगा घाट पर देखा गया। यहां सनी दोनों बेटों के साथ अपने पेरेंट्स की अस्थियां विसर्जित करने पहुंची थी। सनी ने खुद इंस्टाग्राम पर फोटो शेयर कर इस बात की जानकारी दी। अब सट्टेबाजी में साजिद खान। अरबाज ने बुकी सोनू जालान की मदद से सट्टेबाजी करने की बात कबूली थी। सट्टेबाजी केस में गिरफ्तार बुकी सोनू जालान ने डायरेक्टर साजिद खान का नाम लिया। उसने कहा कि 7 साल पहले साजिद क्रिकेट मैचों में सट्टा लगाते थे। मोदी के किरदार में परेश रावल। बॉलीवुड में इन दिनों एक खास बायोपिक काफी चर्चा में है। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी की जिंदगी पर फिल्म बनने की तैयारी चल रही है। इस बात का खुलासा खुद बीजेपी सांसद और एक्टर परेश रावल ने किया। अयान का बंजारा सागर। टी सीरीज ने सिंगर अयान के नया सिंगल बंजारा सॉन्ग को लॉन्च किया, जिसमें अभिनय किया है कृष्ण बरेटो और गौतम बजाज ने। इसे डायरेक्ट किया है फैजल खान ने। जिंदगी के क्रॉस रोड्स में कुशल पंजाबी। इसमें हैंडसम कुशल पंजाबी आपको एक पिता की भूमिका में नजर आएंगी। ये कहानी एक दंपति के एडॉप्शन से जुड़ी दुविधा के इर्द गिर्द घूमती है। ये कहानी सामयिक तो है ही, दर्शकों को भी बांधे रखती है। मानेक्षा पर फिल्म बनाएंगी मेघना। मेघना गुलजार फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की बायोपिक बनाने जा रही है। मेघना का मानना है कि हमेशा ऐसी कहानियों पर फिल्म बनाने में मजा आता है जो आपका ध्यान अपनी ओर खींचती हूँ। वर्ल्ड एनवायरमेंट डे पर बॉलीवुड। आलिया ने लिखा है आज ही स्टील या कांच की बोतल का प्रयोग शुरू करें। एक प्लास्टिक की बोतल को डीकम्पोज होने में 450 साल से भी ज्यादा का समय लग जाता है और ये हमारे वातावरण को नुकसान पहुंचाता है। वरुण ने की जुहू बीच पर सफाई। वर्ल्ड एनवायरमेंट डे पर वरुण धवन ने मुंबई के जुहू बीच पर क्लीनअप ड्राइव अभियान चलाया और लोगों को प्लास्टिक से होने वाले नुकसान के बारे में जागरूक किया और युवाओं को इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेने को कहा। ऑन स्क्रीन मां बनेंगी करीना। करीना जल्द एक और फिल्म में दिखाई देने वाली है। ये फिल्म उनके बेस्ट फ्रेंड करण जौहर के बैनर तले बन रही है। करीना की आगामी फिल्म एक रोमांटिक फिल्म होगी। इसके साथ ही इस फिल्म के बारे में ऐसी खबरें सामने आ रही कि इस फिल्म में करीना कपूर ऑन स्क्रीन मां का किरदार निभाने वाली है। टैगोर पर फिल्म बनाएंगी प्रियंका। प्रियंका चोपड़ा अब नलिनी के नाम से एक पीरियड फिल्म प्रोड्यूस करेंगी, जिसकी शूटिंग सितंबर में शुरू हो जाएगी। ये फिल्म नोबेल पुरस्कार विजेता रवींद्रनाथ टैगोर के जीवन पर आधारित होगी। कानूनी विवाद में शाहिद की फिल्म। फिल्म बत्ती गुल मीटर चालू कानूनी विवाद में फंस गई है। फिल्म के कुछ राइट्स को लेकर मामला कोर्ट तक पहुंच गया है। टी सीरीज के भूषण कुमार ने बत्ती गुल मीटर चालू के पूर्व निर्माता के खिलाफ याचिका दायर कर दी है। आकाश अंबानी और श्लोका की सगाई। मुकेश अंबानी के बड़े बेटे आकाश अंबानी की सगाई 30 जून 2018 को होगी। इस बात की ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुकी है। आकाश अंबानी और श्लोका का इनविटेशन कार्ड और एक वीडियो जारी किया गया है, जिसमें दोनों की सगाई डेट दी गई है। वेब सीरीज में सुमित व्यास। सुमित व्यास को वेब सीरीज इट्स नॉट दैट सिंपल के दूसरे सीजन के लिए साइन किया गया है। स्वरा भास्कर शो के दूसरे सीजन में भी नजर आएंगी। सुमित ने कहा इट्स नॉट दैट सिंपल का हिस्सा बनकर मैं वास्तव में बहुत एक्साइटेड हूँ। सुबह 4 बजे होगा काला का फर्स्ट शो। रजनीकांत की फिल्म काला तड़के 4 बजे रिलीज की जाएगी। शो के टिकट तेजी से सोल्ड आउट हो रहे हैं। इस बीच कर्नाटक में फिल्म पर बैन को लेकर निर्माताओं ने कानूनी आपत्ति जताई है। योगेश लखानी का चैरिटी इवेंट। सांसद गोपाल शेट्टी और ब्राइट आउटडोर के योगेश लखानी मातोश्री के चैरिटेबल ट्रस्ट पहुंचे, जहां इवेंट में जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त अनाज, आई चेकअप, ब्लड डोनेशन उपलब्ध कराया गया। खेतों में पसीना बहा रहे हैं धर्मेंद्र। धर्मेंद्र 82 साल के हो चुके हैं, लेकिन उनमें आज भी पहले जैसी एनर्जी और काम करने की ताकत है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर तस्वीरें डाली हैं, जिसमें वो खेतीबाड़ी करते नजर आ रहे हैं। मायापुरी न्यूज़ रील में इतना ही, कल फिर हाज
हाजिर होंगे इसी समय, देखते रहिए मायापुरी का।